हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, चिंता पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, वहीं पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है आपकी और आपके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं या आपके पार्टनर की फीलिंग, जो कि हम बाद में देखेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो जाती है तो फिर जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊँगी वो भी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यस, यहाँ पे जैसे कि कार्ड्स आ चुके हैं, बॉटम में है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटाकल्स। आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस सर्कल कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 8 11 9 13 10 8 1। 8 8 8 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। 1 1 1 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। तो आपकी फीलिंग से अगर बात करूँ ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना मतलब ना इस तरह से समझ रहे हो ना कि पता नहीं क्यों आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह से बिहेवियर किया है। एक ऐसा दिल जो अनकंडीशनल लव करता था, दिल से, जो कि कभी आपने उनसे कुछ नहीं चाहा था, सिर्फ और सिर्फ दिल से उनसे प्यार की उम्मीद करी थी, और जैसे कि मरते दम तक साथ रहना है, भले तू फाइनेंशियल कंडीशन तेरी जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हर हालत में तुझसे मैनेज करूँगी। आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, बहुत प्यार किया था, और जैसे कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको वही दिखाया था, हमेशा आपकी हर एक बात की केयर करना, हर वक्त जैसे कि क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। अगर आप ऑनलाइन रहते तो आपको बहुत ज़्यादा डांटा जाता था, क्या कर रही हो ऑनलाइन हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, मतलब ना हस्बैंड या वाइफ जैसे आपके ऊपर हुक्म चलाया जाता था, जो कि आपको उनकी एनर्जी इतनी अच्छी लगती थी कि वाह ये कितना प्यार करता है मुझसे, ज़िंदगी भर ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आपके अंदर ये फीलिंग्स उन्होंने डेवलप की थी, आपका ट्रस्ट इन्होंने जीता था, और बाद में जैसे कि सडनली आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए, तो आपको लगता है कि क्यों आपके साथ खेला गया। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, आप भगवान से जस्टिस मांग रहे हो कि भगवान अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो मुझे सजा दो, लेकिन मुझसे बस एक ही गलती हुई है कि मैंने अनकंडीशनल लव किया, मेरी इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो भगवान, मुझे जस्टिस चाहिए जो भी है, लेकिन मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, वो जिसके भी पास गया है मैं कभी उसके लिए बुरा नहीं बोलती, लेकिन मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दो, उस पर्सन का आप अच्छा करो, मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दो। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके पार्टनर जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे, अपने फाइनेंशियल स्टेटस उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही अपडेट्स डाल रहे हैं, जो देख देख के आपको इस तरह से फील हो रहा है कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे मुड़कर इनको देखना ही नहीं है। एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यही शो करता है कि आपके अंदर कल रात आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही थी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो कि कभी भी आपकी तरफ अब मुड़कर नहीं देखेंगे, और ये सब कुछ आपके बनाए हुए है, ठीक है। ये सब कुछ थॉट जो है आपके अपने बनाए हुए हैं, क्योंकि आपके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप जो कि रियलिटी देख नहीं पा रहे हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपके पार्टनर आपके लिए कितना तरस रहे हैं। आपने सिर्फ एक साइड देखी है अपने साइड की, आपसे चीटिंग हुई है, लेकिन आपके पार्टनर वहाँ पे क्या फेस कर रहे हैं ये आपको पता ही नहीं है, इसी वजह से जो कि आप इस तरह से देख रहे हो। वो जो भी आपके लिए सोशल मीडिया पे शो ऑफ भी करते होंगे वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है, दिल से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव थॉट्स है आपके आँखों पे पट्टी बंधी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप गलत सोच रहे हो, आप इस रिलेशनशिप के ऊपर दिल से वर्क करना चाहते हो, जो कि चाहे जो भी हुआ है लेकिन आपका किस्मत के ऊपर भरोसा है, आपका भगवान के ऊपर भरोसा है कि भगवान जो कि आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत सारे लोगों को कल आपके पार्टनर को खुद होकर कॉल मैसेज करने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन यस आपने अपना थॉट चेंज कर लिया, ठीक है, आपने नहीं एक्शन लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था अभी के अभी उससे बात करूँ, अभी के अभी उससे क्लैरिटी मांगूँ, पूछूँ उससे कि क्या
आखिर उसे आपका करना क्या है? क्या ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के जा चुका है हमेशा के लिए? ये जो कि आप दिल से सुनने के बारे में, वो जो ये जो कि आप दिल से उनसे सुनना चाहते हो, जो भी है एक बार सामने आके कुछ बता दे। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके पार्टनर के बारे में। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ डेफिनेटली देगी ऐसा आपको लगता है। तो ये आपकी फीलिंग से अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे कल रात, तो हम देखते हैं आप जैसे कि आप तो हम देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको जैसे लग रहा है ना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। यस, आपके पार्टनर फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं अपना तो यस, आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। आज इनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ है जो कि इंसान को अच्छे लाइफस्टाइल जीने के लिए चाहिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अपना किंगडम उन्होंने अपना किंगडम उन्होंने खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाया है। लेकिन जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, आपको जो वो इस तरह से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर को आप इस तरह से एम्प्रेस बनी हुई दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आपके पार्टनर को कल रात आपका बहुत ज़्यादा फेस पर्सनैलिटी आपके कल रात आपके पार्टनर को आपका फेस बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत ज़्यादा इनके आँखों के सामने चल रही थी, और जो कि आपकी आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी, दिल से जैसे कि प्रे कर रहे थे, दिल से जैसे कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आँख बंद करके आपको विजुअलाइज कर रहे थे। रात को सोते टाइम इन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा फोटोज़ देखी है, और जो कि आपको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, और जैसे कि तमन्ना की है कि भगवान प्लीज़ मेरा पार्टनर जो कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। इनका कल रात बहुत दिल कर रहा था आपके लिए कॉल मैसेज करने का, या आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन जो कि आपकी रूडनेस इनको दिखाई दे रही है। इस तरह से सोच रहे थे कि जैसे ये आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप उनको मिस कर रहे हो? क्या आपके दिल में आज भी उनके लिए केयर है? इनको लगता है कि उन्होंने जो केयरिंग कनेक्शन था वो तोड़ दिया है, शायद अब जो कि आप पहले जैसी केयर उनकी नहीं करोगे, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये हैप्पी है सैड है, या इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके लिए इनके क्या इमोशंस है, आपको इन बातों से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ टावर के बारे में सोच रहे हो, जो उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, चीटिंग करी है, जो कि आप सच में सोच रहे हो, राइट? आप जस्टिस के बारे में सोच रहे हो, और अपने पार्टनर आपके पार्टनर ने आपके साथ जो किया है उसके बारे में सोच रहे हो। इसी वजह से आपके पार्टनर को ये एनर्जी फील हो रही है कि आप ये बातें भूलने के लिए रेडी हो ही नहीं। तो जब तक कि आप ये बातें नहीं भूलोगे, तो इनके अंदर कभी भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी आपके लिए आगे आने के लिए। इस तरह से इनको आपको इनके अंदर पॉजिटिविटी आने के लिए आपके पास कि यस आज मैं इसके पास जा सकता हूँ। बार बार टेम्परेंस का कार्ड ही क्यों आता है? आप कितने दिनों से देख रहे हो टेम्परेंस का कार्ड हर रोज़ आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये जैसे कि सही टाइम आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ये इसी तरह से सोचते रहते हैं, क्योंकि इनके वाइब्रेशंस आपकी फील नहीं हो रही हैं, इनको खुशी दिल से महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप दिल से खुश नहीं हो, या आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम होते हो, आप जैसे कि एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, तो इसी वजह से वाइब्रेशंस आपके कनेक्ट रहते हैं। तो जब तक ये दिल से फील नहीं कर पाएंगे ना हैप्पीनेस, वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप दिल से खुश नहीं होगे। इसी वजह से इनका एक्शन आपको नहीं आ रहा है, टावर आपका अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप टावर से निकलना ही नहीं चाहते हो, ऐसा इनको लग रहा है, जो कि सच है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव उनके बारे में सोचते हो, और जैसे कि बस जस्टिस धोखा दिया, चीट किया, इस बारे में सोचते रहते हो। तो सबसे पहले ऐसे सोचना बंद करो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, एफर्मेशंस बोलो, टेक्निक्स ट्राई करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। एक भी नेगेटिव थॉट दिल में आने लगता भी है ना, उसको सडनली पॉजिटिव, उसको तुरंत पॉजिटिव थॉट में चेंज करो। अगर ऐसा कर पाते हो ना, तो आप इस टावर की एनर्जी से बाहर निकल के आओगे, और फिर आपके पार्टनर को भी आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ आ जाएगी, बस ऐसे ही मिस करते नहीं रहेंगे आपको। ठीक है, कल रात भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कॉल मैसेज करना है, इस रिलेशनशिप को मुझे बैलेंस करना है, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, इनको अपने आप के ऊपर कंप्लीट भरोसा है, लेकिन डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे, जो कि इनको अभी तक ये टाइम मतलब सेफ नहीं नज़र आ रहा। इनको नहीं लग रहा है कि मैं अगर अभी कॉल मैसेज करूँ तो जो कि आप इनको पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, इनको आपके लिए कॉल मैसेज करने के लिए डर लग रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इनका कम्युनिकेशन आपको 3 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों में रिसीव हो जाएगा, तब तक कि इनको आपके लिए पॉजिटिविटी फील नहीं होगी, और वो भी तब होगा जब आप सच में पॉजिटिव हो जाओगे। आप जब तक इनके लिए नेगेटिव रहोगे, इनकी तरफ से आपको डिले ही मिलेगा। ठीक है,
तो यस यही है रीडिंग कल रात थी आप दोनों के एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।